HCF of LCM of 144, 180 and 192 using prime factorization method. बहुत आसान तरीके से समझेंगे. आप क्या करो दोस्तों, इनके prime factor कर दो. Prime factor करने के लिए आप जानते होंगे, क्या जानते हैं आप, कि हम अपना इनको इस प्रकार से लिखेंगे और उसके बाद अपने prime number से divide करेंगे. तो आपके prime number कौन से होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं. 1 से 10 तक 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपका 11 से 20 तक 11, 1, 3, 1, 7, 1, 9. ओके, समझ आ गया. 2 से डिवाइड करना शुरू करना है. तो देखिए मैंने 2 का डिवाइड किया, इसमें कितना टाइम चला गया आपका, 7, 2 टाइम चला गया. आपको डिवाइड करने में समस्या आ रही हो तो ऐसे साइड में लिखो और डिवाइड कर दो. देखिए 2 का पहाड़ा बोलिए, कितना टाइम बोलते हैं, 7 टाइम जब 2 का पहाड़ा बोलते हैं तो कितना आता है आपका, 1, 4 आता है. उसके बाद माइनस किया, 4 यहाँ आ गया. 2 का पहाड़ा 2 टाइम बोला, कितना, 4 आ गया. माइनस किया, 0 आ गया. ओके, ध्यान क्या रखना है, आपका कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए. और कंप्लीट डिवाइड होने की पहचान किसी भी नंबर को देखकर कैसे करें, इसका यूनिट डिजिट देखकर. यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो आपका 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा. तो देखिए यहाँ पर 0, यानी ये भी 2 से कम्प्लीट डिवाइड होगा, ये भी 2 से कम्प्लीट डिवाइड होगा. तो चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं, अपना इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे. तो देखिए इसमें मैंने 2 का डिवाइड किया, अगेन यहाँ पे कितना, 3, 6 टाइम चला गया. इसमें अगेन 2 का डिवाइड किया आपका, 1, 8 टाइम चला गया. इसमें अगेन 2 का डिवाइड किया, कितना, 9 टाइम चला गया. 9 में देखिए 2 का डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना, 3 टाइम. 3 में 3 का डिवाइड आपका 1 टाइम. तो यहाँ पर 1, 4, 4 के जो प्राइम फैक्टर है ये आपके आ गए, ठीक है. अब देखिए इसकी भी बात करनी है, इसको छोड़ना थोड़ी. यहाँ पे इसमें देखिए हमने डिवाइड किया, 9, 0 टाइम आ गया. 2 का डिवाइड किया इसमें, 4, 5 टाइम आ गया. इसमें देखिए 2 का डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 का हो रहा है, कितनी बार, 1, 5 टाइम. अगेन इसमें 3 का हो रहा है आपका, 5 टाइम. 5 में 5 का डिवाइड आपका, 1 टाइम. ओके, समझ आ गया. अब देखो यहाँ पर इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना, 9, 6 टाइम. अगेन 2 का डिवाइड हो रहा है, 4, 8 टाइम. अगेन 2 का डिवाइड हो रहा है आपका, 2, 4 टाइम. अगेन 2 का डिवाइड हो रहा है आपका, 1, 2 टाइम. अगेन 2 का डिवाइड हो रहा है इसमें, 6 टाइम. 6 में 2 का डिवाइड हो रहा है आपका, कितना, 3 टाइम. 3 में 3 का डिवाइड आपका, 1 टाइम. अब पहले हम बात करते हैं HCF की, उसके बाद LCM निकालना हमारे लिए आसान रहेगा. HCF में देखिए आप इसको समझिए, CF को, CF क्या कहता है, कॉमन फैक्टर. यानी इन तीनों के कॉमन फैक्टर ले लो और उनका मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका HCF आ जाएगा. इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी. कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपका ऐसा फैक्टर जो कि इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो. तो देखो 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है. उसके बाद अगेन देखो 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है. अगेन देखो यहाँ पर 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है, तीनों में नहीं है कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन नहीं है. तो 2 को अब कैंसिल कर दो, 2 को दोबारा नहीं देखना. अब 3 के पास चले गए, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ ले लो. उसके बाद अगेन 3 यहाँ है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इन तीनों में नहीं है. 5 यहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, तीनों में नहीं है. तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है दोस्तों आपका, यहाँ पर 1, 2 निकल कर आ रहा है. तो इनका HCF कितना आ गया, 1, 2 आ गया. अब LCM कैसे निकालना है, देखिए LCM बहुत आसान है. इसको आप ऐसे समझेंगे, जो तीनों में कॉमन फैक्टर है उनको तो लेना ही है. तीनों में कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है देखो, यानी यही आएंगे. तो इनका मल्टीप्लीकेशन लिख देता हूँ, 1, 2 आया है. उसके बाद 2 में कॉमन फैक्टर उनको लेना है, तो देखो 3 यहाँ है, यहाँ है. उसके बाद फिर देखो 2 यहाँ है, यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ है. अब आपके कौन से बच गए, सिंगल बच गए सारे, तो सिंगल फैक्टर को ले लो. देखो 5, उसके बाद देखो यहाँ पे 2, उसके बाद देखो यहाँ पे 2. अब इनका करना हमें मल्टीप्लीकेशन. तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं आसान तरीके से. यहाँ पे मल्टीप्लाई आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा. देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना 5 का यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 मल्टीप्लाई टू आपका 16, 16 मल्टीप्लाई 5 कितना आता है दोस्तों आपका, 80 आता है. और इसका यहाँ पे इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 36, 36 मल्टीप्लाई ये बन गया. अब देखिए यहाँ पे इसको 36 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कितना,
48 फोर कैरी चला गया, 24 फोर कितना 28 और ये पीछे जीरो लिख दो कितना आ गया, ये आपका इनका मल्टीप्लाई आ गया। तो ये आपका क्या बना है यहाँ पर, एलसीएम बना है। ओके, तो इस तरह से देखिए आप यदि इनको आसान बना के बहुत आराम से सोल्व करते हैं तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। धन्यवाद।